दोस्तों, अभी हम जिस पैलेस पर आए हुए हैं, जिस जगह पर आए हुए हैं, ये वो जगह है जिस जगह की वजह से ताजमहल बना था, और उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या कहानी है, जिस वजह से मुमताज की मौत हुई थी, वो कहानी आज हम आपको बताएंगे। ये वो जगह है जहाँ शाहजहां की जो बेटी थी ना, रोशनारा बेगम पैलेस, शाहजहां की जो है शाहजहां मुमताज की शादी हुई थी 1612 में, 1612 मैरिड, और 1631 7 जून शी डाइड, और 1631 में दिसंबर ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ था मुमताज के डेथ होने के 6 महीने के बाद। कितने बच्चे थे? 19 साल में मुमताज ने 14 बच्चों को जन्म दिया था। 19 साल में 14 बच्चों को जन्म। हाँ, 8 बच्चे नेचुरल डेथ से खत्म हो गए, 6 बाकी बचे थे, 4 बेटे 2 बेटियां। 4 बेटे उनके नाम थे दारा, सुजात, मुराद, औरंगजेब, और 2 बेटियां थी उनकी, जहानारा और रोशनारा। तो रोशनारा की डिलीवरी में मुमताज की डेथ हुई थी बुरहानपुर में, जिसकी वजह से ताजमहल बना था। तो यानी कि जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये रोशनारा पैलेस है जिस वजह से, यानी कि जिस बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई थी, वो बेटी का नाम था रोशनारा, रोशनी वाली परी, और जहानारा पूरे जहां की परी। और उसके बीच में जो देख रहे हैं आप, ये जो आर्च बने हैं 3, ये उनके खास महल है, ये बेडरूम है और ये डाइनिंग हॉल है। थोड़ा सा आगे चल के इसको क्लोज से देख लेते हैं। रोशन को मिला के एक पैलेस बनता है, इसको बोलते हैं रोशनारा बेगम पैलेस, रोशनारा बेगम पैलेस। अच्छा, ये जो छोटे छोटे जो है, ये बेडरूम है, ये सब बेडरूम है, वो डाइनिंग हॉल है, बीच में ये उसका पोर्शन है, इसको मिला के पूरा पैलेस बनता है। अच्छा, यहाँ से खूबसूरत व्यू है ताजमहल का, व्यू आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, और दोस्तों ये रोशनारा का जो पैलेस है, उससे ही सबसे कमाल का जो व्यू है वो नजर आता है ताजमहल का, आप यहां से देख सकते हैं। और जैसे ही आप लेफ्ट साइड में एंटर करेंगे, जाली दिख रहे हैं अभी, पूरा सिंगल पीस में, कोई जॉइंट नहीं है, पूरा वन पीस मार्बल है। जी, इसकी स्पेशलिटी ये है कि आप अंदर से बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर जाकर आप अंदर का पोर्शन नहीं देख सकते। उसका रीजन है कि बाहर का जो होल है वो छोटा है, अंदर से जो होल है ये बड़ा है। ये नैरो है, हवा जो है प्रेशर बन के आती है स्पीड से। जाली के अंदर पर्दा सिस्टम है, कर्टन सिस्टम दिया हुआ है, और यानी कि ये जाली ही कर्टेन है एक तरीके से, बाहर से आप अंदर नहीं देख सकते। सिंगल पीस, उधर जाना अलाउड है? नहीं, अलाउड नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं बाहर का होल छोटा है, अंदर बड़ा है। यहाँ पर ये सब होल बने हैं, ये ज्वेलरी बॉक्सेस हैं। अच्छा, ये ज्वेलरी बॉक्सेस सब चारों तरफ, ये सब कैंडल लाइट डेकोरेशन के लिए, और कोई बेड फर्नीचर नहीं, कारपेट हुआ करते थे नीचे, पर्दे हुआ करते थे, कर्टन सिस्टम। इस साइड में यदि हम दोस्तों चल के देखते हैं, तो यही एक तरीके से ये डाइनिंग रूम है, सेम फिगर बना हुआ है, ये और दोनों मिला के बीच का पोर्शन मिला के एक पैलेस बनता है, इसको बोलते हैं रोशनारा बेगम पैलेस। और यहाँ सब छोटी छोटी कैंडल लाइट फॉर डेकोरेशन के लिए ये हुआ करते हैं। ठीक 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 ठीक। और ये पानी के लिए है, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक ठीक। और ये वो कर्टेन है एक तरीके से, मतलब जाली नुमा कर्टेन है, और इसके यहाँ से हम आपको कोशिश करेंगे कि पूरा ताजमहल इस स्टार से आपको दिख जाए। ये देखिएगा दोस्तों, क्या ब्यूटीफुल नजारा है कि एक स्टार के अंदर से आप इसका आर्किटेक्चर है जो वो कुछ इस तरीके का है कि एक इस स्टार के अंदर से आप पूरा ताजमहल को निहार सकते हैं, इसकी खूबसूरती को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा वो पैलेस रोशनारा महल, जिस बेटी की वजह से, यानी कि जिस बेटी को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई थी, वो उस बेटी का ये महल है। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।